मुंबई इंडियंस ने यूपी वॉरियर्स को हराकर बनाई फाइनल में जगह। रविवार 26 मार्च को भिड़ेंगे दिल्ली कैपिटल्स से। मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स के मैच को देखने पहुंची मुंबई इंडियंस टीम की मालिक नीता अंबानी सभी प्लेयर्स को दी जीत की बधाई। नमस्कार दोस्तों, WPL के एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने यूपी वॉरियर्स को 72 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही मुंबई इंडियंस ने ली फाइनल की टिकट। 26 मार्च को खिताबी भिड़ंत दिल्ली कैपिटल्स बना मुंबई इंडियंस के बीच। दोस्तों आपको बता दें, शुक्रवार 24 मार्च को मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स के बीच मैच खेला गया। यूपी वॉरियर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 182 रनों का लक्ष्य यूपी के सामने रखा। जवाब में यूपी वॉरियर्स 17 ओवर में 110 रनों पर ऑल आउट हो गई। यूपी के लिए किरण नबगिरे ने सबसे ज्यादा 43 रन बनाए। मुंबई इंडियंस की पारी में नताली सीवर ब्रांड के नाबाद 72 रनों इसी बोंग की शानदार हैट्रिक के चलते मुंबई इंडियंस ने इस मुकाबले को 72 रनों से जीत लिया। यूपी वॉरियर्स के लिए किरण नबगिरे ने 27 गेंदों में 43 रन बनाए, पर उनकी यह पारी यूपी को जीत ना दिला सकी। इसी के साथ मुंबई इंडियंस ने फाइनल में अपनी जगह पक्की की। दोस्तों WPL में आपकी कौन सी फेवरेट टीम रही है अब तक, और अगर आपकी फेवरेट टीम है कोई तो क्या वो फाइनल में पहुंची है या नहीं पहुंची है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें। साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिले सबसे पहले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।